हेलो फ्रेंड्स, मेरे स्पामिस्ट्री एंड एस्ट्रोलॉजी वीडियो चैनल पे आपका स्वागत है। तो आज हम एनालिसिस करेंगे सैन का और चेक करेंगे इसमें क्या क्या नई चीज़ें हमें सीखने के लिए मिलती हैं। तो एज यूजुअल शुरू करूंगा फिंगर्स के एनालिसिस से, उसके बाद चेक करेंगे फिंगर्स की सेटिंग को एंड माउंट्स को, और सबसे लास्ट में हम चेक करेंगे लाइन्स को। इस तरह से पूरे हैंड का जो एनालिसिस हम कम्प्लीट करेंगे। तो चलिए मैं शुरू करने जा रहा हूँ, साथ साथ ड्रॉ करता जाऊँगा आपके लिए ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इनकी हथेली काफ़ी स्क्वायरिश नज़र आ रही है, शेप जो है बिल्कुल स्क्वायर शेप में है। यहाँ पर हथेली आपको दिखाना चाहूँगा ड्रॉ करके। अगर मैं एक स्क्वायर ड्रॉ करता हूँ तो कुछ इस तरह का स्क्वायर बनकर सामने आ रहा है, जो बिल्कुल एक मेहनती नेचर को यहाँ पर शो कर रहा है इनकी। और फिंगर्स की लेंथ काफ़ी अच्छी है, काफ़ी अच्छी लेंथ में फिंगर्स हैं। और जो ख़ासतौर पर हम लेंथ है फिंगर्स की, वह जो मध्यमा उंगली है उसकी लेंथ से चेक करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हथेली के लगभग इक्वल ही नज़र आ रही हैं। तो काफ़ी अच्छी लंबाई है जो शो करती है कुछ हद तक एनालिटिक क्वालिटीज़ को। तो ऐसे व्यक्ति काफ़ी एनालिटिक होते हैं और पूरा एनालिसिस करने के बाद ही कोई काम शुरू करते हैं। और फिंगर्स की थिकनेस काफ़ी अच्छी है, यहाँ पर सीधी रेखाएँ नज़र आ रही हैं, लेकिन कुछ गैप भी मुझे दिखाई दे रहा है। काफ़ी फ्रेंडली नेचर होने के बावजूद भी यहाँ पर थोड़ी सी ईगो इनके अंदर रह सकती है, थोड़ी सी ज़िद्दी नेचर इनकी मैं यहाँ पर देख पा रहा हूँ, क्योंकि फिंगर्स के बीच में गैप यहाँ पर मेंटेन्ड है। अगर हम पोलो और मर्करी फिंगर की बात करें यहाँ पर भी, और बाकी की फिंगर्स में भी यहाँ पर कुछ हद तक गैप मुझे दिखाई दे रहा है, जो इनकी नेचर को थोड़ा सा ज़िद्दी बनाता है। ओवरऑल अगर हम लेंथ की बात करें तो यहाँ पर अपोलो से भी ज़्यादा लंबाई में है बृहस्पति की फिंगर, जिसका लंबा होना लीडरशिप क्वालिटीज़ के मामले में बहुत अच्छा माना जाता है। लेकिन थोड़ी सी ईगोइस्टिक नेचर भी यह फिंगर की लंबाई हमें देती है। नॉलेज काफ़ी अच्छी होती है व्यक्ति को अगर बृहस्पति की फिंगर लंबी हो, लेकिन इसके साथ साथ थोड़ा सा ईगो कंटेंट भी बढ़ जाता है। और यहाँ पर इनकी अपोलो फिंगर की लेंथ भी काफ़ी अच्छी है, जो यहाँ पर काफ़ी अच्छी क्रिएटिविटी को शो करती है, आर्टिस्टिक क्वालिटीज़ रहती हैं, काफ़ी क्रिएटिव नेचर रहती है व्यक्ति की। तो यहाँ पर दोनों की लंबाई अच्छी होना, दोनों के ही गुण सूर्य और गुरु के गुण इनके अंदर शो करती हैं। मरकरी की बात की जाए तो मरकरी की लेंथ बहुत ज़्यादा लंबाई में नहीं है, फर्स्ट फैलेंज तक नहीं पहुँच पा रही, लेकिन काफ़ी स्ट्रेट फिंगर है जो अच्छे कम्युनिकेशन स्किल्स की तरफ इशारा कर रही हैं। और जो मर्करी माउंट है वो भी मुझे यहाँ पर स्ट्रांग दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर अच्छे कम्युनिकेशन स्किल्स इनके अंदर रहने वाले हैं। और ओवरऑल फिंगर्स की जो थिकनेस है वो अच्छी एनर्जी और स्टैमिना शो करती हुई दिखाई दे रही हैं। आगे बढ़ते हैं और चेक करते हैं फिंगर्स की सेटिंग को, एंड उसके बाद हम माउंट्स को चेक करेंगे कौन से चिन्ह हैं माउंट्स के ऊपर। तो यहाँ पर अगर एक लाइन मैं ड्रॉ करूँ तो कुछ इस तरह की लाइन बनकर सामने आएगी। आप देख सकते हैं कुछ इस तरह की लाइन जो सामने आ रही है, जिसमें कोई भी माउंट मुझे लो सेट होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। लगभग सारे के सारे माउंट्स यहाँ पर हाई सेट हैं, जो एक बहुत ही अच्छा चिन्ह है इनके लिए, बहुत ही अच्छे माउंट्स यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और वन बी वन सारे माउंट्स को चेक करेंगे। सबसे पहले मर्करी माउंट की बात कर लेते हैं। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर मर्करी माउंट काफ़ी क्लियर है और बहुत सारी सीधी खड़ी रेखाएं यहाँ पर मर्करी माउंट के ऊपर, जो इस माउंट को काफ़ी हद तक प्रोमिनेंट करती हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ इस तरह की लाइंस, जिनको हम हीलिंग लाइंस भी कहते हैं और मेडिकल स्टिग्माटा का नाम भी दिया जाता है। ऐसे व्यक्ति जिनके हाथ पर मर्करी माउंट पर ऐसी खड़ी रेखाएं हों, उनका मर्करी काफ़ी प्रोमिनेंट होता है। और इसके साथ साथ यहाँ पर हीलिंग कैपेसिटी भी इनके अंदर अच्छी होती है। बेशक ये लोग मेडिकल फील्ड में ना भी हों, तो भी अपनी इसी हीलिंग कैपेसिटी की वजह से लोगों के दुख दूर कर सकते हैं, अपने इवन काउंसलिंग जैसे काम कर सकते हैं। अपने शब्दों से ही इनके पास इतने अच्छे वर्डिंग होती है कि लोग इनसे राय मांगते हैं, सलाह मांगते हैं, तो अपने शब्दों से ही उनके जो प्रॉब्लम्स हैं ये सॉल्व करने की कैपेसिटी रखते हैं। इस तरह की लाइंस होने की वजह से ऐसे व्यक्ति सोशल वर्कर भी हो सकते हैं, पॉलिटिक्स में भी जा सकते हैं, काफ़ी शार्प माइंड होता है, और अगर बिजनेस करना चाहें कोई पार्ट टाइम बिजनेस वगैरह भी उसमें अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। तो ओवरऑल मर्करी यहाँ पर काफ़ी स्ट्रांग है, अच्छी कैलकुलेशंस इनकी रहेंगी, अच्छे कम्युनिकेशन स्किल्स मर्करी स्ट्रांग होने की वजह से इनके अंदर रहने चाहिए। सूर्य की बात करते हैं तो सूर्य यहाँ पर फ्लैट है, एवरेज है, बहुत ज़्यादा उभरा हुआ नहीं है।
सूर्य माउंट, लेकिन सूर्य रेखा यहाँ पर काफी अच्छी है। यहाँ पर आप देख सकते हैं वैसे तो एक दो और हल्की रेखाएं भी सूर्य की असिस्टेंट रेखाएं हैं जो कुछ हद तक थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट करती हैं, लेकिन स्ट्रांग सूर्य होना और अच्छी सूर्य फिंगर का होना यहाँ पर शो करता है कि अच्छा नेम एंड फेम रहेगा, लेकिन ओल्ड एज में चलकर इनको इस माउंट और इन लाइंस के बेनिफिट्स मिल सकते हैं। काफ़ी अच्छी यहाँ पर लाइंस होने की वजह से रिकॉग्निशन रहती है सोसाइटी में और अच्छा नाम भी व्यक्ति का होता है। शनि की बात की जाए तो शनि मुझे यहाँ पर थोड़ा सा वीक दिखाई दे रहा है। शनि थोड़ा सा फ्लैट माउंट है यहाँ पर और शनि की लाइन काफ़ी अच्छी है। अगर आप देखें यहाँ पर शनि की लाइन को तो काफ़ी स्ट्रांग और लंबी लाइन है शनि की और मून एरिया से चलती हुई सैटर्न लाइन यहाँ पर शनि माउंट तक पहुँच रही है जो माउंट की वीकनेस को भी यहाँ पर कम कर रही है, क्योंकि ऐसी स्ट्रांग लाइन होने की वजह से व्यक्ति की लाइफ में कंफर्ट्स रहती हैं। खासतौर पर फाइनेंशियल मामले में व्यक्ति को कहीं ना कहीं से धन की जो आमदन है होती रहती है, मनी रिलेटेड प्रॉब्लम्स नहीं होती, फाइनेंसिस अच्छे रहते हैं, वेल्थ वाइज यह लाइन काफ़ी अच्छे रिजल्ट देती है। और इस तरह की लाइन होने की वजह से फॉरेन ट्रैवलिंग के चांसेस भी रहते हैं, फॉरेन से इनकम के चांसेस भी रहते हैं और अच्छी बाहरी सपोर्ट भी व्यक्ति को मिलती है अगर स्ट्रांग लाइन हो शनि की, जिस तरह से यहाँ पर हम ये लाइन देख रहे हैं। तो शनि माउंट यहाँ इस लाइन की वजह से काफ़ी अच्छे रिजल्ट देने वाला दिखाई दे रहा है। आगे बढ़ते हैं और चेक करते हैं इनका गुरु माउंट। तो गुरु माउंट के ऊपर आप देख सकते हैं, वैसे हमने चेक किया था इनकी फिंगर काफ़ी अच्छी लेंथ में है और गुरु माउंट के ऊपर काफ़ी सारी सीधी रेखाएं भी यहाँ पर देख रहे हैं हम, दो से तीन ऊपर की तरफ उठने वाली प्रोग्रेस लाइन्स जिनको हम कहते हैं, यहाँ पर कुछ ऐसी प्रोग्रेस लाइंस हैं और जिसकी वजह से लाइफ में प्रोग्रेस जो है वो निरंतर बनी रहती है। तो लाइफ में अच्छी प्रोग्रेस रहेगी, गुरु को स्पेस भी यहाँ पर काफ़ी अच्छी मिल पा रही है, तो इसकी वजह से लाइफ में हर तरह की सुख सुविधाएं व्यक्ति को मिलती रहती हैं, धन की कमी नहीं होती। तो यहाँ पर कुछ हद तक स्पिरिचुअल होते हुए नज़र आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर गुरु वल्या जैसी एक फॉर्मेशन, यानी कि पार्शियल गुरु वल्या जैसी फॉर्मेशन बनती हुई दिखाई दे रही है, जो कंप्लीट तो नहीं है लेकिन फिर भी इसकी वजह से व्यक्ति काफ़ी धार्मिक होते हैं, जिनके हाथ में ऐसा निशान बनता है, सिंपथेटिक पर्सनैलिटी होती है और धर्म कर्म के कामों में भी काफ़ी रुचि रहती है। तो यहाँ पर बृहस्पति भी काफ़ी अच्छा रिजल्ट देते हुए नजर आ रहे हैं। आगे देखते हैं मेजर लाइंस को, तो सबसे पहले हार्ट की लाइन की बात करना चाहूँगा। अब देख सकते हैं हार्ट की लाइन बिल्कुल स्ट्रेट है यहाँ पर इनके हाथ में और शनि के नीचे से कमेंसमेंट होती हुई और साथ ही साथ कुछ लाइंस नीचे की तरफ निकलती हुई जो इनको कुछ हद तक इमोशनल बनाती हैं। वैसे इनकी पर्सनैलिटी काफ़ी प्रैक्टिकल है, लेकिन जो लाइंस हार्ट लाइन के नीचे की तरफ चलती हैं व्यक्ति को इमोशनल सेटबैक्स दिलवाती हैं। लाइफ में दो से तीन बार यहाँ पर इनको सेटबैक्स मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। वैसे काफ़ी प्रैक्टिकल एंड मटीरियलिस्टिक अप्रोच इनकी लाइफ में रहेगी, बहुत ज़्यादा यह इमोशनल नहीं रहने वाले, क्योंकि लाइन की जो शुरुआत है यहाँ पर शनि माउंट के नीचे से होती हुई, तो जिनके भी हार्ट की लाइन शनि माउंट के नीचे से चलती है ऐसे व्यक्ति काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिकल होते हैं, मटीरियलिस्टिक होते हैं और यहाँ पर विष्णु सिंबल का बनना भी इनके लिए काफ़ी अच्छा है। वी सिंबल जो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा, जो हार्ट लाइन के शुरू में यहाँ पर बनता हुआ प्रोग्रेस को शो करता है, ऐसा बाई फोर्क होना हार्ट लाइन का, तो इस तरह का चिन्ह यहाँ पर बनता हुआ जिसकी वजह से लाइफ में काफ़ी अच्छी प्रोग्रेस भी इनके रहने वाली है। ओवरऑल हार्ट की लाइन से कोई भी मेजर प्रॉब्लम हार्ट से रिलेटेड नज़र नहीं आ रही, हार्ट की लाइन काफ़ी अच्छी है, तो कुछ इमोशनल सेटबैक्स मैं यहाँ पर देख पा रहा हूँ सिर्फ। और आगे बात करते हैं इनकी लाइन ऑफ माइंड की, तो माइंड की लाइन यहाँ पर एवरेज या बहुत ज़्यादा लंबाई में नहीं है, लेकिन बिल्कुल सीधी लाइन का होना प्रैक्टिकलिटी को शो करता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं माइंड की लाइन यहाँ पर काफ़ी अच्छी फॉर्मेशन में है, प्रैक्टिकल पर्सनैलिटी को शो करती है, मिडल साइज लाइन है, बेशक स्टडीज़ में ये बहुत ज़्यादा अच्छा परफॉर्म ना भी करें तो भी माइंड इनका काफ़ी शार्प रहेगा और इस शार्प माइंड की वजह से काफ़ी प्रोग्रेस भी ये लाइफ में कर पाएंगे। और इसी तरह से यहाँ पर एक मनी ट्रायंगल भी बनता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है, जो फेट लाइन, माइंड लाइन और यह मर्करी लाइन के कारण बनता है, जिसकी वजह से पैसा भी काफ़ी अच्छा व्यक्ति स्टोर कर लेता है अपनी लाइफ में और पैसे की कमी लाइफ में नहीं रहती इस तरह का मनी ट्रायंगल बनने की वजह से। और यहाँ पर आप देख सकते हैं जो इनकी लाइफ लाइन है बाहर की तरफ रुक कर रही है, आपको दिखाना चाहूँगा लाइफलाइन चलती हुई बाहर की तरफ रुक करना इस लाइन का, जो शो करता है घर से दूर सेटल होने के चांसेस को
विदेश जाकर भी यह बच सकते हैं और घर से दूर भी कहीं पर जाकर सेटल हो सकते हैं, कुछ इस तरह की लाइन जो बाहर की तरफ चलती है तो व्यक्ति को घर से दूर सेटल होने की इंडिकेशन देती है। तो यहाँ पर चांसेस है कि लंबा समय तक ये घर से दूर रह सकते हैं क्योंकि मेजर लाइन तो वापस वीनस की तरफ मुड़ रही है, तो फॉरेन में स्टे भी हो सकता है, घर से दूर स्टे रह सकती है और कुछ समय लंबा समय तक वहाँ पर रुक सकते हैं, कुछ इस तरह के चांसेस हैं। और इसी तरह से जो फेट की लाइन मून से चलती है यह भी ट्रैवलिंग करवाती है, तो यहाँ पर काफ़ी अच्छे चांसेस बनते हुए नज़र आ रहे हैं। ओवरऑल लाइफ काफ़ी लंबी रहने वाली है, 80+ 85 के आसपास की लाइफ मैं यहाँ पर देख पा रहा हूँ। और कुछ स्ट्रेस लाइंस हैं जो लाइफ में समय समय पर इनको स्ट्रेस देती हुई दिखाई दे रही हैं 25 के आसपास की एज में, और यहाँ पर जो है लगभग 30+ की एज में एक स्ट्रेस है, किसी लिटिगेशन का भी सामना इनको करना पड़ सकता है क्योंकि एक ब्रांच जो है ऑफशूट वो भी कटता हुआ नज़र आ रहा है स्ट्रेस लाइन की वजह से, और उसके बाद भी एक स्ट्रेस लाइन है हल्की जो कुछ स्ट्रेस इनको लाइफ में दे सकती हैं, अदरवाइज आगे की लाइफ काफ़ी अच्छी है तो कोई मेजर स्ट्रेस आगे चलकर इनको नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं VLCVA जैसी फॉर्मेशन जो किसी ना किसी तरह की एडिक्शन में भी इनको डाल सकती है, स्ट्रेस की वजह से किसी चीज़ की एडिक्शन हो सकती है क्योंकि VLCVA यहाँ एक तरह से बहुत ज़्यादा स्ट्रांग तो नहीं लेकिन फिर भी यह लाइन इस तरह से लाइन का होना किसी ना किसी तरह की एडिक्शन की तरफ भी इनके मन को अट्रैक्ट कर सकता है। ओवरऑल कोई भी बड़ी मेजर प्रॉब्लम यहाँ पर नहीं है लेकिन कुछ स्ट्रेस ज़रूर है। वरी लाइन्स मैं यहाँ पर देख पा रहा हूँ, वीनस एरिया के ऊपर आप देख सकते हैं काफ़ी सारी वरी लाइन्स हैं जिसकी वजह से लाइफ में काफ़ी चिंताएँ रहती हैं, कुछ स्ट्रेस लाइन्स हैं तो लाइफ में अप्स एंड डाउन्स रह सकते हैं, कुछ फालतू की चिंताएँ इनको रह सकते हैं। ओवरऑल कोई भी मेजर प्रॉब्लम इनकी हैंड लाइन से मुझे नज़र नहीं आ रही। तो यह कुछ एनालिसिस थे इनके हैंड के बारे में और मेरी कोशिश रहती है कि सारे सवालों के जवाब एक ही वीडियो के थ्रू दे पाऊँ, लेकिन फिर भी कोई ना कोई चिन्ह रह जाता है, कोई ना कोई क्वेश्चन रह जाता है, तो इनसे रिक्वेस्ट है कि अगर इनका कोई सवाल पेंडिंग है तो मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करें। उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरा यह वीडियो अच्छा लगा होगा, अगर यह वीडियो अच्छा लगा तो उसे लाइक करें, शेयर करें और साथ ही साथ मेरा चैनल भी सब्सक्राइब करें। मेरा वीडियो वॉच करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।